देखो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के क्लास समझने के लिए जरूरी है कि कल के क्लास में हमने क्या किया था। एटीट्यूड, बिहेवियर, इसका रिलेशनशिप, और इसके लिए अलग अलग थ्योरी। पहला थ्योरी क्या था कोमल, बताओ जल्दी। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन क्या होता है इसका मतलब? उस बिहेवियर को इम्पैक्ट पड़ता है जो पहले से क्या है, प्लान्ड है या डेलिब्रेट है, जानबूझ के हम करते हैं। स्पॉन्टेनिटी का कोई सवाल नहीं है। जैसे कल क्रिकेट खेलना है तो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, ये पूरी तरीके से प्लान है। कल जाके मीटिंग अटेंड करना है, क्या है, पूरी तरीके से प्लान है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हमारा। तो थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का मतलब क्या हुआ ये बताओ जरा। रीजन एक्शन मतलब क्या होता है? रीजन एक्शन मतलब करने के पीछे लॉजिक, कोई पीछे रीजन हो, करेक्ट। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, बात बिहेवियर से पहले क्या था यहाँ पे, बिहेवियर इंटेंशन, या इंटेंशन कह सकते हो। बिहेवियर तक पहुँचने का दो तरीका था हमारे पास, क्या तरीका था वो, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर एंड योर सब्जेक्टिव नॉर्म्स, ऐसा यही था ना जी। क्या होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर? सही बात है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए कैसे सोचता है उस हिसाब से उसका इंटेंट तैयार होता है, और इंटेंट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ये क्या है सब्जेक्टिव नॉर्म्स का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का बिलीव विद कंसोनेंस विद द नॉर्म्स, सोसाइटी का जो लार्जर बिलीव है उसके साथ हमारा बिलीव कितना टिका हुआ है। यदि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक अपोजिट हो सोसाइटीज से, सोशल नॉर्म्स से, तो वो करने में हम हिचकिचाएंगे। सही बात है ना। यदि कहीं नहीं लिखा हो कि क्लास नहीं करना चाहिए तो क्लास जाने में डर लगेगा ना। जैसे कोविड का टाइम देखो, कोविड टाइम में ये कहा जाता है कि क्लास नहीं करना चाहिए, उससे कोरोना वायरस हो जाता है। सही बात है। तो नॉर्म्स क्या हुआ उस समय नहीं करना चाहिए था, उस समय आदमी डर डर के कर रहा है, हर समय डर है उसको कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कोई कंप्लेन ना कर दे, है कि नहीं है। देखो उस समय नॉर्म्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अब उस समय तुम्हारा है कि पढ़ने का एटीट्यूड है, लेट से देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, उस समय तुम्हारा एटीट्यूड है खूब पढ़े, खूब तैयारी करे, खूब तैयारी करे, ठीक है, IAS का एग्जाम पास करे, मॉक टेस्ट करे, मग क्या है कोविड आ गया और पूरी तरीके से सब संस्था बंद। तुमको बिहेवियर में उतारना है, बिहेवियर मतलब एक्शन में उतारना है तुमको ये चीज। एक्शन में उतारने के लिए इंस्टीट्यूट की जरूरत है, और नॉर्म्स क्या है उस समय कि कोई इंस्टीट्यूट खुला नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहा है COVID-19। यहां से यहां तक का जो यात्रा होगा उसमें हिचकिचाहट होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना। एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो, लिख सकते हो कोट करके, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता जो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन को लिंक करते हुए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा ये। उसके बाद क्या किया था हमने, दूसरा थ्योरी क्या दिया था, थ्योरी ऑफ प्लान्ड एक्शन, या कह सकते हो अभी याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या था कि हमने कहा कि चलो ये भी सही है, ये भी सही है, मैं बहुत सारे चीज है, उसमें एक और एलिमेंट की आवश्यकता है, वो क्या है, परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल। जब तक हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल मतलब सेल्फ कंट्रोल, जब तक कोई चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा इमोशन पे, तब तक हम बिहेवियर में उतार नहीं सकते उस चीज को। तुमको बोला कि कल से बहुत हेल्दी डाइट मेंटेन करना, तुम बोला ठीक है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, बिल्कुल हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो खा के दिखाएंगे हम। चना उना पूरा फुला दिया रात को, इतना रख दिया चना पूरी तरीके से पानी में, मूंग का दाल भी रख दिया साइड में, समझे ना। हाँ सब्जेक्ट इनमें ये कि सबको यही कर रहा है घर में भी तुम्हारा, मगर जब सुबह उठा तो आंख मल रहा है, पता चला 10 बजे। नो, क्यों, क्योंकि तुम इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस समय। सुबह टेम्पटेशन जो था नहीं उठने का, उसको तुम ब्रेक नहीं कर पाया, बोला कि चलो लेट इट बी बोल के सो गया। तो ये नहीं होने की वजह से सब मटिया प्लीत हो गया।
एटीट्यूड्स का जो रिफ्लेक्ट है वो बिहेवियर में नहीं देखने को मिला बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस फैक्टर दैट इज योर परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल. समझ गए ना? इसलिए बहुत सारे जब हम एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे तो ज़रूरी है कि ये चीज़ भी हो, ये कंट्रोल चीज़ भी हो, तब जाके हमारा पूरा होगा बिहेवियर, तब जाके एटीट्यूड से बिहेवियर मैच करेगा. थर्ड बताओ क्या किए थे? कंपोजिट. मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अब समझ में आ जाएगा आराम से. हाँ, इफ देन प्लान. वेरी गुड. इफ देन प्लान, बिल्कुल यहीं पे मैच करता है. कैसे हम इंटेंशन को बिहेवियर में कन्वर्ट करें. अभी तक तो यही बात करें कैसे एटीट्यूड को बिहेवियर में कन्वर्ट करें, उसी के लिए इतना दुनिया भर का थ्योरी. और उससे पहले भी हम बात किए थे कि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके हिसाब से हम तय करते हैं कि हमारा एटीट्यूड का जो भी एलिमेंट्स है क्या बिहेवियर में दिखेगा या नहीं दिखेगा. इफ एंड देन प्लान क्या है कि ये जो बिहेवियर इंटेंशन है क्या ये बात यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा. उसके लिए हमने क्या किया कि लेट से कोई चीज़ अब हो जाएगा तो उसके बाद वो चीज़ करेंगे. एग्जाम्पल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरा काम करने के लिए चले जाएंगे. सर बेस्ट. तो यानी कि मन में हम एक रूटीन क्रिएट कर रहे हैं कि ये होने के बाद हमारा इंटेंट बिहेवियर के प्रति रहेगा, और उससे पहले कुछ हमारा दूसरा काम ख़त्म करना है. जब दूसरा काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो फोकस है वो डायरेक्ट वहीं पर चला जाएगा. इसलिए इसको कहते हैं इफ देन प्लान. यानी इफ ए खत्म हो गया तो हम फोकस करेंगे बी पे, तब जाकर. अब जरूरी नहीं है क्या कि जो परसेप्शन जो क्रिएट होगा हम कर रहे हैं ऑन द पेपर तो कर रहे हैं, मैं हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद दूसरा कोई काम आ जाए और हमारा बिहेवियर हमारा धरा का धरा रह जाए, ये भी हो सकता है. तो जब तक हम काम परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारा बिहेवियर कंप्लीट हो गया. बिहेवियर कंप्लीट करने के लिए यस आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा तब जाके बिहेवियर. अभी तो हम रूम में बैठ के सोच रहे थे कि हमको पढ़ाना है तो मेरा एटीट्यूड था, अभी जो पढ़ा रहे वो बिहेवियर है मेरा, तो दोनों में अंतर है. और यदि इस बीच में नाच गाना शुरू हो जाता, यदि दुनिया भर का चीज़ यदि एलिमेंट तैयार हो जाता तो हो सकता कि हमारा वो इंटेंट जो बीच से लेके आए थे वो इंटेंट टूट के दूसरी तरफ चला जाता. करेक्ट. तो इसलिए ज़रूरी है इंटेंशन से लेके बिहेवियर का जो यात्रा है उसके बीच में कोई बाधा नहीं आए. बाधा आएगा तो फिर ऑन द पेपर ही काम हो रहा है, रियल लेवल में काम नहीं हो पा रहा है. समझ गया ना ये चीज? उसके बाद थर्ड थ्योरी क्या पढ़े थे हम लोग? कंपोजिट. क्या होता है कोमल? पहले बताओ जरा कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब क्या होता है बताओ? कंपोजिट कल्चर क्या होता है? चलो कंपोजिट लिख दिया मैंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ड एक तरफ से कंपोजिट कल्चर. कंपोजिट का मतलब क्या होता है? मिलावटी, हाइब्रिड, मिक्स्ड. बोलते ना कंपोजिट नंबर, बचपन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, रैशनल नंबर के साथ कंपोजिट नंबर भी आता है. इसका मतलब होता है हाइब्रिड या मिक्स्ड. तो इसमें कह रहे कि जी बिल्कुल सही बात है, दुनिया भर का दिया गया है थ्योरी जिसमें हम एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर का बात करते हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म्स का बात करते हैं, परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल का बात करते हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फैक्टर है जो हमारा हमको बाइंड करता है बिहेवियर की तरफ. तो बहुत सारा चीज़ हमने लिखा है, यूटिलिटेरियन आउटकम्स भी लिखा है कि वो करने के बाद क्या हमको रिवार्ड मिलेगा या हमको पनिशमेंट मिलेगा, उस हिसाब से हम बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे. करेक्ट. हम नॉर्मेटिव आउटकम्स भी देखते हैं. नॉर्मेटिव आउटकम्स का मतलब क्या है? अप्रूवल या डिसअप्रूवल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल जिसके साथ तुम रह रहे हो, जिस समाज में तुम रह रहे हो या जिस घर में रह रहे हो. अब कई ऐसा काम करोगे तो मम्मी पापा लोग रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, ये मत करो. जैसे मान लो कि अभी तुम पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, नेटवर्किंग बिजनेस में जुड़ गया और घर में पूरा इस तरीके जोश में फ़ोन कर रहा है, तुम बोला कि देखिए नेटवर्किंग बिजनेस में जुड़ गए हैं, ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है शुरू का, क्या करेंगे? 500 हम तुमको भेजते हैं, अब 10,000 कहाँ से हम तुमको भेजेंगे? यही ना होगा जी सवाल. तो ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव नॉर्म्स के अगेंस्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जब बिहेवियर को उतारते हैं अपने एटीट्यूड्स तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमको गाइड करता है. ये बता चुके हैं कल क्लास में. आज की क्लास में हम बताएंगे मोड, मोड मॉडल जो कि फोर्थ मॉडल होगा, ये लास्ट मॉडल होगा. अभी बहुत छोटा है, ये समझने वाली बात है, ये भी बहुत डिफरेंट है. अभी तक जितना बात कर रहे हैं हम उसमें डेलिब्रेट
डेलिब्रेट इवेंट का, यानी कि डेलिब्रेट बिहेवियर जहाँ पे हम चाहते हैं या हम प्लान बिहेवियर चाहते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कैसे हम बिहेव करते हैं? देखो स्पॉन्टेनियस जब बात उठेगा तो जान ही रहो ये संस्था ही अपने आप में स्पॉन्टेनियस कब क्या करवा देंगे किसी को, तो कैसे ये ऐसे कैसे करवा देते हैं? अच्छा बताओ तो तुम लोग का लॉजिक सुने तो कैसे स्पॉन्टेनियस बिहेवियर जनरेट होता है? इतना दिन से, 2 साल से स्पॉन्टेनियस ही करवा रहे हैं क्लास में हम, कभी प्लानिंग, बहुत कम प्लानिंग चले हैं। प्लानिंग जैसे 26 जनवरी हुआ प्लानिंग, बाकी सब तो पूरा स्पॉन्टेनिटी पे ही टिका हुआ मेरा संस्था। क्या रीजन है सुनील, क्या होता है? बिल्कुल माइंड माइंड, हाँ ठीक, हाँ एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस, ओके। और हाँ तो ये तो सोचने वाली बात है ना, ये तो तुम लोगों को, और बताओ। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनील ये बताओ, दिल्ली में बहुत चीज हम नहीं कर पाए, मैं यहाँ पे हम कर लिए, इसका लॉजिक क्या है? बिल्कुल सही बात था। और बिल्कुल एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो ये जो थ्योरी लिखाने वाले उसे अच्छा थ्योरी बन जाएगा, अभी तुम लोग चर्चा करोगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर हो गया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है? अब हंसी मजाक में तुम लोग का यहाँ पे UPSC शुरू किए, गंदा गंदा बच्चा लोग को पकड़ के पढ़ाना शुरू किए, और वही बच्चा लोग निकल गया तो हमको क्या आएगा मन में? जब ऐसा बच्चा निकल सकता है तो कैसा भी बच्चा निकल सकता है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा का कोई कमी नहीं है धरती पे। तो ये भी एक तरह से देगा कि नहीं देगा, हमें बूस्ट देगा। और बताओ कैसे होता है स्पॉन्टेनिटी? यस यू टेल मी, जो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास बोलो, क्या स्पॉन्टेनिटी जरूरी है लाइफ में? हाँ कोमल, क्या स्पॉन्टेनिटी जरूरी है लाइफ में? क्यों? बहुत बढ़िया, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको तोड़ के ज़्यादा नहीं 1500 वर्ड में लिखा जा सकता है। हंसी मजाक लग रहा तुमको, मैं पक्का लिख दूंगा इस पर। देखो क्या बोली तुम कि फ्रीडम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सही बात है, ज़्यादा नहीं आर्टिकल 19 के बारे में बोली हो तुम, ये बात करेक्ट है, सी हैज टोल्ड करेक्ट, सही बोला कि जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा तब तक हम स्पॉन्टेनिटी कर कैसे पाएंगे? यदि हम सब्जेक्टिव नॉर्म से हम जकड़े रहे, यदि हम अपना परसीव्ड कंट्रोल बिहेवियर से जकड़े रहे तो कैसे हो सकता है? तो ये जो थ्योरी है, देखो ये जो इसको बोलते हैं मोड थ्योरी, MODE मोड थ्योरी, या मोड मॉडल कहते हैं इसको, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम जब स्पॉन्टेनियस बिहेव करते हैं तो उसमें दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी, जो सुनील हमको यहाँ मिलता है, समझे कि कैसा ही बच्चा को हम यहाँ पे रख के पढ़ा सकते हैं, वो वहाँ पे नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, यस ये बच्चा लोग पढ़ने वाला है, बारिश होगा कोई बात नहीं, पेपर का नाव भी बना के लोग आ जाएगा, ये दो चीज़ है जो कि हमें मोटिवेट करता है कि यस आप स्पॉन्टेनियस बिहेवियर की तरफ मूव कर सकते हो। बात समझे क्या बोले हैं? ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है जी, तुमको पूरा अपॉर्चुनिटी मिल गया, बताओ ये संस्था मेरा है, हम इसके रचेता हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, देख लेंगे बढ़िया से उसको, हम है जो है कॉन्फिडेंस, फुल अपॉर्चुनिटी, फुल रिसोर्सेस, तो तुम तो अपने माइंड से काम करोगे तब तो हिला दोगे तुम, क्योंकि तुमको कोई डर ही भर नहीं है, तुमको डर नहीं है अपना सीनियर का, सीनियर क्या बोलेंगे, किस तरह तुम पढ़ा रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, तुम खुद अपना निर्माता है, अपने आइडेंटिटी खुद तुम बना रहा है, अपॉर्चुनिटी है। मोटिवेशन है जी, मोटिवेशन एक्सपीरियंस से आता है, जैसे कि मैंने किसी को अच्छा कर दिया, मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा। ये थ्योरी कहता है कि कोई भी हम स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे होते, यानी कि स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कर रहे होते हैं,
तो जरूरी है अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, ये दो चीज हमें मिल जाता है तो यस वी परफॉर्म स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। समझ गए ना? इसका मोट का मतलब ही होता है, देखो मोट का मतलब ही होता है मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी, समझे ना? मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। समझे ना? और यही मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी ही बेस बनता है, ग्राउंड लेवल बनता है किसके लिए? बिहेवियर के लिए। करेक्ट, समझ गए ना? हाँ, एक ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे मोटिवेशन बहुत लो हो, समझे ना, और अपॉर्चुनिटी भी लो हो। जी अपॉर्चुनिटी भी लो हो, मतलब आपको स्पॉन्टेनियस बिहेव करना है, समझ रहे हो ना बात को? ये चलो हर जगह तुमको नहीं मिलेगा ना ऐसा, मगर यस यू आर फेसिंग लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, जहाँ पे मोटिवेशन भी नहीं है, यानी कि बहुत लो है, नेग्लिजिबल है, अपॉर्चुनिटी भी नेग्लिजिबल है, तो उस समय क्या आपका फैक्टर है जो आपको प्रमोट करता है स्पॉन्टेनिटी के लिए? तो वंस अगेन योर एटीट्यूड। और कैसा एटीट्यूड? जिस एटीट्यूड में आपका एक्सपीरियंस छुपा हो, जिस एटीट्यूड में आप वो चीज कर चुके हैं, तो इस समय जो स्पॉन्टेनिटी को आगे बढ़ाता है वो हमारा एटीट्यूड ही है। और भी कैसा एटीट्यूड बाबू? वो झुटपुटिया वाला एटीट्यूड नहीं, स्ट्रांग एटीट्यूड। यस, हम ऐसा पहले डील कर चुके हैं। यदि मान लो तुम लोग, चलो हम अपना एग्जाम्पल बहुत देते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम अभी इंग्लिश पढ़ रहा है हमसे या एथिक्स पढ़ रहा है, अब किसी भी संस्था में जो इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो यही माइंड सेट लेके जाओगे, है कि नहीं है? क्योंकि एक साल डेढ़ साल हमसे जुड़े रहे और पढ़े और तुमको लगा कि ये बेटर आउटकम्स दे रहा है, तो कोई चीज़ बेटर आउटकम्स देता है तो हम उस तरह को, उस चीज़ को हम एक बेस लेवल मान के चलते हैं। तो भले ही तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, भले ही तुम्हारे पास फ्लुएंट इंग्लिश क्लास नहीं है, या सनिचर स्थान का वो माहौल नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, करण नहीं है, भले ही वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मगर तुम्हारे पास स्ट्रांग एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, स्पॉन्टेनियस बोलेंगे और फिर तो सीखेंगे। यस यू कैन डू इट बिकॉज ऑफ योर पास्ट हैबिट, समझ रहे हो ना? तो उस समय यदि दोनों लो हो ना, तो स्ट्रांग एटीट्यूड ही है जो हमें स्पॉन्टेनिटी की तरफ धकेलता है। समझ गए ना? यही तुम्हारा क्या है, मोड मॉडल है। होप सो समझ में आ गया होगा। ये खत्म कर दिए, ये चार थ्योरी बस इतना ही बताना था, ये बहुत छोटा थ्योरी था। अब हम बात करेंगे कट टू कट सिलेबस का। उस सिलेबस में क्या दिया गया है? मॉरल एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड के बारे में बताया गया है, करेक्ट। उसके बाद कोमल क्या है? पॉलिटिकल एटीट्यूड। उसके बाद पर्सुएशन, पर्सुएशन है ना, हाँ, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। देखो कल, हाँ अच्छा बाद में बताऊंगा, अभी अभी ऑन रिकॉर्ड है, अभी बोलने का मतलब ये बनता है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, लिख लिए हो ना, तो इसको एक्सप्लेन कर। देखो अब लिखा तो दो शब्द रहे हैं, मैं इसमें समझना होगा, सबसे बेस्ट है कि जाके लिख लिया करो, भूल जाओगे। बिल्कुल, ब्रेन का कैपेबिलिटी, स्ट्रांग एटीट्यूड। अब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हारा हो गया, तुमको पता है कि हम कॉपी भी लेके नहीं जाएंगे, तो ऐसे भी सर लेक्चर देंगे तो हम आई कैन सेंस एवरीथिंग, ये तुम्हारा स्ट्रांग एटीट्यूड है, क्योंकि तुम्हारा पास्ट बिहेवियर ऐसा है। तो कई लोग पूरा लिखते हैं, उसके बाद भी देखो, कई ऐसा दौर आया ना इंडियन सोसाइटी जहाँ पे तुम लिख नहीं रही थी, मगर तुमको सब पता चल रहा था कि हम बोल क्या रहे हैं, और तुम बोले कि सर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। यू कैसे हुआ तुम्हारा? बिकॉज ऑफ योर स्ट्रांग एटीट्यूड टूवर्ड्स योर मेमोरी पावर, इसलिए तुम्हें सब पता है। तो ये आपका पास्ट एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका पास्ट एक्सपोजर जहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया, स्ट्रांग एटीट्यूड का मतलब ही यही हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक इशू है, एक कोई विषय है, उस विषय पे हर आदमी अलग अलग डिग्री से बात करेगा। जैसे डाउरी देखो ना, डाउरी बेस्ट एग्जाम्पल है, डाउरी पे अलग अलग बात करेगा सब, कोई बहुत बड़ा ही स्टैंड ले लेगा और कोई बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, गलत बात है। जो बहुत बड़ा स्टैंड ले लेगा, इसका मतलब उसके मन में स्ट्रांग एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए। और उसके मन में वो स्ट्रांग एटीट्यूड आया कैसे? बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो जो डील करेगा स्पॉन्टेनिटी में, वो तो खतरनाक डील करेगा, सही बात है। और हम लोगों ने बहुत खतरनाक डील किया,
हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक्स वाई जेड समझ लो, लंबा नहीं बोल सकते हैं। कभी हॉस्पिटल में गए थे किसी को देखने के लिए, कभी चर्चा किए थे, तो लोग बड़ा खुश होकर दिखा रहे थे मोबाइल में फ़ोटो कि देखो इतना इतना दहेज लिया इस लड़के ने। हम बोले डायरेक्ट डकैती किया। तो हो सकता था कि उस समय हम मर्यादा का लिहाज रख के हम चुप रह सकते थे, वो बेटर रिजल्ट था, जबकि वो हमारा अपना ही जान पहचान का आदमी था। तो यदि अपना जान पहचान का आदमी जो हमको अच्छा नज़र से देखता है उससे लड़ने की क्या जरूरत था हमको? स्ट्रांग एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, ये रीज़न है। जब कोई आपके साथ ह्यूमन रिलेशन बहुत बढ़िया है, कोई बोल रहा है तो हाँ हाँ करके चल जाइए, निकल जाइए। वह उस आदमी से भी जिससे आपका एटीट्यूड बढ़िया है, रिलेशनशिप बढ़िया, उस आदमी से भी आप बहस करके आ जाते हैं। क्या रीज़न है, क्या कारण है? क्योंकि जो पर्टिकुलर जो टॉपिक का विषय हो रहा था, बातचीत हो रहा था, वो आपका स्ट्रांग एटीट्यूड के डोमेन की तरफ फॉल कर गया, तो आप रह के भी नहीं रह सके और अपना स्टैंड आप दिखा के चलाए। सिंपल सी बात है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारा होता है और ऐसा करना भी चाहिए। सर झुकाते रहोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। कभी कभी हम अपना स्ट्रांग एटीट्यूड को भी, हाँ, स्ट्रांग एटीट्यूड टुवर्ड्स राइट कॉज। अब ये नहीं कि कुछ बोल के चलाए, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा हुआ है जी, ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है, और ऐसा होगा आने वाले समय में और भी। देखो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि यस मॉरल एटीट्यूड, अब हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड, तो पहले तो तुम लोग सबसे पहले हमको ये बताओ कि मॉरल का मतलब क्या होता है, क्या होता है मॉरल का मतलब? क्या होता है सुनील, मॉरल? मॉरल और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड तो तुम जानते ही हो, इतना एटीट्यूड ही पढ़ रहे हो। मॉरल मतलब क्या सोसाइटी क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, गुड और बैड कोई भी इश्यूज के बारे में। कहते हैं ना मॉरल वैल्यूज नहीं है क्या? तो मॉरल वैल्यूज मतलब क्या, ऑल टुगेदर सोसाइटी उस चीज़ को लेकर क्या सोचता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आमतौर पर सोसाइटी अच्छा सोचता है, भले ही करे नहीं करे, तो क्या व्हाट सोसाइटी थिंक्स। मॉरल मतलब क्या, व्हाट सोसाइटी, देखो छोटा छोटा वर्ड याद होना चाहिए, व्हाट सोसाइटी थिंक्स, थिंक्स अबाउट पर्टिकुलर थिंग, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट सोसाइटी थिंक्स, गुड या बैड, ये हमारा मॉरल हो गया। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, कैसे हम लाइक करते हैं, कैसे हम डिसलाइक करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, करेक्ट। तो ये होगा तुम्हारा कि व्हाट वी लाइक, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करके हम कहते हैं कि ये गुड है या फिर बैड है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इसका मतलब क्या, मॉरल एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉरल वैल्यूज, इसका मतलब हुआ एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉरल इश्यूज या मॉरल वैल्यूज, मॉरल इश्यूज। हमारा एटीट्यूड क्या है मॉरल इश्यूज को लेके, और मॉरल इश्यूज बहुत तरह का हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, बहुत तरह का मॉरल इश्यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, कैपिटल पनिशमेंट मॉरल इश्यू है कि नहीं है? फांसी नहीं देना चाहिए यार, किसी का जान नहीं लेना चाहिए, है ना? हमारे ग्रंथ में भी कह दिया गया, एक मच्छर का भी जान नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल, कैपिटल पनिशमेंट जहां पे हम फांसी देने का बात करते, वो भी होमो सेपियंस का, है ना? तो ये कैपिटल पनिशमेंट अपने आप में, तो हमारा एटीट्यूड क्या है कैपिटल पनिशमेंट को लेके, हमारा एटीट्यूड क्या है एबॉर्शन को लेके, समझ गए ना? हमारा एटीट्यूड क्या है इथोनेशिया को लेके, समझ गए ना बात को? एबॉर्शन, इथोनेशिया, कैपिटल पनिशमेंट, ये सब मॉरल इश्यूज है। अब इसका एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां पे बात उठता है मोरालिटी। मोरालिटी, मोरालिटी वैरी करता है, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, सही बात है ना?
मोरालिटी मतलब आपका इंडिविजुअल मोरालिटी भी हो सकता है या फिर सोसाइटी का मोरालिटी भी हो सकता है। मोरालिटी मतलब कोई विषय के बारे में क्या सोचता है, कोई बिलीव उसका। अब यहां पे समझना होगा हमें इस बात को लेके, जैसे बेस्ट एग्जांपल समझो, जो जिंजियांग प्रोविंस जो चाइना का है, जहां पे उइगर मुस्लिम का बुरा हाल है, करेक्ट, उइगर मुस्लिम का बहुत ही बुरा हाल है, दुनिया देखेगा तो कहेगा कि चाइना गलत काम कर रहा है। मैं चाइनीज ऐसा नहीं बोलता है, समझ रहे हो ना, चाइनीज ऐसा नहीं बोलता है, तो व्हाट डज इट मीन कि चाइनीज स्वीकार नहीं करता है, चाइनीज का मोरालिटी अलग है। बोलेगा नो, देश को काबू करना है तो मारना पड़ेगा इसको, ये लोग को भी मोरालिटी डिफर किया कि नहीं किया, चाइनीज पीपल और आउटसाइड पीपल, यहां पे डिफर कर गया। यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स मोरल वैल्यूज डिफर कर सकता है, कहने का मतलब ये हुआ, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब तुम सिंपल देख लो ना, अभी घर में जाओ अपने दो जनरेशन उठा के उसको पूछो डाउरी पे उसका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है उसको, बोलेगा बहुत अच्छा ख्याल है, हम भी लिए थे, देख लो निशानी है हमारे पास, तो उसका अलग होगा पैतरा और तुम्हारा पैतरा अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफर करता है तुम्हारा पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री, समझ गए ना। तो जिंजियांग प्रोविंस में जो उइगर मुस्लिम के साथ जो एट्रोसिटी हो रहे हैं, एट्रोसिटी समझते हो ना, जो जुलुम हो रहा है, एट्रोसिटी बाय चाइनीज, ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड चाइना के लिए क्या है, इमोरल चीज है, सही बात है कि नहीं है। मैं इनसाइड चाइना के लिए नथिंग है, इनसाइड चाइना के लिए क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है जी, होते रहता है ये सब चीज। अलग कैसे किया, क्योंकि वही बात था यहां पे, ये कॉन्सेप्ट अब समझ गया ना ये इश्यूज को। देखो तो क्या फैक्टर है मॉरल एटीट्यूड को आगे करने के लिए, क्यों मॉरल एटीट्यूड जरूरी है। अब देखो, इसमें मॉरल एटीट्यूड है यानी कि एटीट्यूड जो कि हम मॉरल वैल्यूज की तरफ हम देखते हैं, और मॉरल वैल्यू डिसाइड करता है हमारा सोसाइटी। तो कहा जाता है कि जो मॉरल कंपल्सन है ना, आपको ये करना होगा, आप ये नहीं करते तो यू मे अट्रैक्ट पनिशमेंट, है कि नहीं है। सोसाइटी से यदि गलत कोई काम करता है तो पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है उसको, मिलता है उसको। तो जो मॉरल कंपल्सन है उसकी वजह से बहुत फायदा होता है जी, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप्ड होता है, स्ट्रांग एटीट्यूड। जैसे सुबह उठ के रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, ये मॉरल कंपल्सन है, एटीट्यूड वैसे ही बढ़िया डेवलप्ड होगा। श्री रामचंद्र थे जो कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, सब बोल रहा है बैठ के बढ़िया से, तो फिर स्ट्रांग एटीट्यूड कैसे बना, मॉरल कंपल्सन। अब बोलेगा यदि सुबह उठ के पढ़ोगे ठीक है, नहीं पढ़ोगे ठीक है, हम क्या करेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो आदमी सुबह उठ के ये सब चर्चा करे तुम पे। तो इसलिए मॉरल कंपल्सन से स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप होता है। सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि क्या हमेशा मॉरल कंपल्सन से हमेशा स्ट्रांग एटीट्यूड होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक फैक्टर हो सकता है कि मॉरल कंपल्सन के वजह से स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप्ड हो, मैं स्ट्रांग एटीट्यूड को डेवलप करने का तरीका और भी हो सकता है, डिफरेंट वाइज भी, एक वन वे हो गया, डिफरेंट वाइज भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के प्रति समर्पण का भाव, उससे स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप्ड हो रहा है, समझ रहे हो ना। एजुकेशन, डिफरेंट वाइज क्या हो सकता है स्ट्रांग एटीट्यूड डेवलप करने का, स्ट्रांग एजुकेशन हो सकता है, फैमिली का वैल्यूज हो सकता है, और क्या हो सकता है तुम्हारे पास, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस अलग से हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, एसेट्रा। तो कहने का मतलब यह कि एक सिंगल वे नहीं है स्ट्रांग एटीट्यूड तक पहुंचने का, केवल मॉरल कंपल्सन नहीं हो सकता, एक मॉरल कंपल्सन हो सकता है साथ साथ और भी तरीके हैं। एजुकेशन से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है स्ट्रांग एटीट्यूड के लिए, है ना, क्योंकि एजुकेशन ने यदि प्रूव कर दिया तो आपके दिमाग में लंबा उसका इम्प्रिंट रहेगा, कहोगे कि यस यही तरीका है। हाँ, फैमिली वैल्यूज घर से सीखते हो, एक तुम सोसाइटी सीखते हो, एक घर में तुम्हारा सिखाया जाता है,
सोसाइटी एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस तो और ज्यादा बेटर है ना। बोलते कि लव करना, लव मत करो बाबू, इसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। तो तुम बोलोगे कि आपका खराब होता है ना, हमारा थोड़ी खराब होता है। फिर तुमको 5 साल बाद पूछा क्या होता है, तो तुम बोला खराब ही होता है। जब तुम बोलेगा बच्चा से, वही बोलता है कि आपका होता है हमारा नहीं होता है, यही लूप चलते रहेगा। और उसी में 2-3 सक्सेस कर जाते हैं, फिर वहां से वो अपना चेंज कर लेता है पैटर्न, और फिर वो दूसरा को बताता है। समझ रहे हो ना? तो जरूरी नहीं है, देखो जो एक्सपीरियंस जो बोलते ना, एक आईटी भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग, कि बुजुर्ग लोग जो है उसको बोझ मत समझो, वो एसेट है। इतना लंबा तपस्या करके गए हैं, उसका रिसोर्सेस को यूज करो, उसके स्किल को यूज करो, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अभी जाओगे तो अभी कोई एक समस्या आ जाएगा, 10 को काम आ जाएगा घर का, तो मन तुम्हारा ऊपर नीचे हो जाएगा, कैसे करें कैसे करें। फादर को बोलो कर दीजिए, बोले आप बैठो पढ़ो, जाओ जाओ पढ़ो अपना, 10 मिनट के अंदर निकाल देंगे। वो कैसे निकाले तुम्हें कुछ पता नहीं है, होता है कि नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हम स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप करते हैं। समझ गए ना? अब देखो जो मॉडल एटीट्यूड है, ये जो गाना जो चल रहा है, ये गाना बहुत सुनते थे कॉलेज में। देखो हम लोग पिकनिक जाते थे, यही गाना बजाते थे। अब कुछ नहीं रहा ऐसा, कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस धुन अच्छा है इसलिए अच्छा है। मॉरल एटीट्यूड देखो, मॉरल एटीट्यूड हमें ये भी समझना होगा, मॉरल एटीट्यूड पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है जी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे हम डिबेट खड़ा कर सकते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से व्याख्या करेगा मॉरल वैल्यूज को लेके, है ना। कैपिटल पनिशमेंट को लेकर बोलेगा कि नो, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि उसने हीनियस क्राइम किया। फिर कोई दूसरा पक्ष आएगा जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, बोले नो नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आदमी का बात है, उसके लाइफ का बात है, आर्टिकल 21 का बात है, तो डिबेट हो गया, यहीं पे खड़ा हो गया। तो मॉरल एटीट्यूड पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब ज्यों का त्यों, टिक द बेस्ट आंसर, 4 में एक ही कोई होगा तो वही एक लगाना होगा। सब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे हम डिबेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, और हर डिस्कशन में हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन होगा, या अपना अपना कंट्री का अलग ओपिनियन होगा उस चीज़ को लेके। समझ गया ना? तो ये होता है यूजुअली। हाँ चलो इसको मिटा देते हैं, कोई डाउट है पूछो। हाँ मोरल, देखो एटीट्यूड ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो तुमको लगेगा। हाँ हो चुका है, मगर चूंकि सिलेबस का हिस्सा है तो आई हैव टू डू इट, क्योंकि दोनों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस समय मॉरल वैल्यूज हुआ था, अभी मॉरल एटीट्यूड अभी आएगा। ये तो बिल्कुल मैंने दिया ही था एग्जांपल एबॉर्शन, इसमें हम लोगों ने एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देखो, मेन चीज है पहला वाला सिलेबस। मैंने क्या बोला, कोई विद्यार्थी पहला वाला सिलेबस ही पढ़ के चला गया, वो डील कर लेगा पूरा एथिक्स को। सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला क्लास जो लिए थे तुम लोग का, डिजिटल लिए थे और पहले जो सीरीज चला थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था वो सब। वो बेसिक है, बेसिक स्ट्रांग है, सब चीज स्ट्रांग होगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? देखो बहुत आसान है सब्जेक्ट, बस ये है कि ये सब्जेक्ट इतना रिलेटेबल है ना कि तुमको लाए अगर तुम्हारा ही भाषा बोल रहे हैं, घर का ही बात कर रहे हैं। ये भी पढ़ने में आदमी को बोरिंग लगे, ये तो सेल्फ अवेयरनेस टाइप का हो गया ना, एक तरफ से सेल्फ अवेयर करवा रहा है कि तुम कर क्या रहा है घर बैठ के। देखो जहां तक सवाल है मॉरल एटीट्यूड का, यहां पे हमें यह समझना होगा कि जो मॉरल वैल्यूज है, जैसे कि मैंने अभी कहा है, जो मॉरल वैल्यूज है वो पूरी तरीके से इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल मोड्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि हम एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे बिहेव करता है, वन आदमी एक आदमी दूसरे, इंटरपर्सनल मतलब एक आदमी कैसे दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंट्रापर्सनल मतलब वो खुद ही अपने आप,
इंटर मतलब क्या हो, वन स्टेट टू वन स्टेट, यानी कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बिहेव कर रहा है, समझे ना, यानी कि मॉरल वैल्यूज पूरी तरीके से एसोसिएटेड है इंटरपर्सनल मोड्स ऑफ कंडक्ट। अब इसमें समझना होगा, इसलिए कहा जाता है कि जो मॉरल वैल्यूज है इसलिए ये चेंज होता है, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एरा। अब बताओ वो जो वैदिक एज में जो होगा मॉरल वैल्यूज अभी के कंपेरिजन में अलग हो जाएगा। अभी होमोसेक्सुअल्स को भी एग्जिस्टेंस, इसलिए सेक्शन 377 को हम नल एंड वॉइड कर देते हैं। क्या ये चीज़ उस समय लागू हो सकता था, क्या नहीं लागू हो सकता, समझ रहे हो ना। तो ये पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी अ प्लेस, सोसाइटी के हिसाब से ये चेंज करता है। अब मॉरल वैल्यूज का यदि मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे फॉरगिवनेस, माफ करना, सबकी बस की बात नहीं है। इस पे हम लोग किए थे, वो चर्चा भी किए थे, फॉरगिवनेस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही कर सकता है, वही पर्सनालिटी का काम ही नहीं है फॉरगिवनेस, समझ गया ना। फॉरगिवनेस हुआ, हेल्पफुलनेस, हेल्पफुलनेस मतलब क्या, मदद करने वाला जो नेचर है, बहुत अच्छा बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एसेट्रा, ये सब जानते हो तुम लोग इसलिए एसेट्रा लिखा दे रहा हूं, है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज। देखो तो एक ये भी जान लो कि अभी जो बहुत सारे मॉरल इश्यूज है, अभी बहुत सारा मॉरल इश्यूज है, मॉरल इश्यूज जैसे एग्जांपल देखो, सब कंसर्न, जैसे एग्जांपल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या हुआ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये मॉरल इश्यूज कंसर्न कह सकते हो, कंसर्न मॉरल इश्यूज। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है, चाहे हम लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन का बात करें, हर जगह हमको देखने को मिलता है, या घर में भी देखे, फर्टिलिटी रेट को लेके भी देखे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको हर समय दिखता है। इंडोनेशिया एग्जाम्पल दे दिए थे, ड्रग्स देखो, सैंड माइनिंग देखो पंजाब का, मॉरल इश्यूज है कि नहीं है, सभी चीज अनएथिकल प्रैक्टिसेस है सभी चीज। डाइवर्स देखो, और डाइवर्स भी एक तरह से मॉरल इश्यूज आया कि नहीं आया, क्या डाइवर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, शादी हो ही गया तो डाइवर्स करने की क्या जरूरत है। हाँ उस पर चर्चा हो सकता है, डिबेट का हिस्सा है डाइवर्स, क्योंकि कुछ पक्ष में भी आएगा कुछ विपक्ष भी होगा। डिबेट का मतलब ये है कि जिसका पॉजिटिव एक साइड हो इसका नेगेटिव एक साइड हो, ऐसे कोई भी इशू ऐसे डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता है अनलेस उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज ना हो, समझ गए ना बात को। वायलेंस ये हम देखते हैं, हर जगह वायलेंस ही होता है, जो पूरी तरीके से हम देखते हैं अभी हमारा मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, ये भी एक कंसर्न है कि नहीं है, तो इसके तरफ क्या एटीट्यूड, इसलिए जरूरी है कि मॉरल एटीट्यूड लेके चलना होगा हमें, अदरवाइज जो वर्ल्ड जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बेस्ट क्या हो सकता है बताओ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सभी क्या है तुम्हारा अभी 21st century का सब प्रॉब्लम्स, सब समझ गए ना, ये सभी प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा तुम लोग को, मॉरल कन्विक्शंस यानी कि हमको ये चीज़ करना ही होगा क्योंकि ये हमारा कन्विक्शन है, मॉरल कन्विक्शंस, यदि मॉरल कन्विक्शन हमारा लिंक हो एटीट्यूड में तो ये हमें क्या देता है, पॉजिटिव आउटकम्स देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यस हमें करना होगा, हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करना होगा, हमें ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना होगा, हमें वायलेंस के अगेंस्ट काम करना होगा, हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करना होगा, इस तरह का यदि मॉरल कन्विक्शन है और तुम्हारे एटीट्यूड में वो लिंक हो गया, पॉजिटिव आउटकम्स होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव आउटकम्स होगा। और इससे क्या होगा, जब पॉजिटिव आउटकम्स होगा विद द हेल्प ऑफ योर मॉरल कन्विक्शन, इससे सोसाइटी या एट इंडिविजुअल लेवल पूरी तरीके से क्या होगा, पीस रहेगा, पीसफुल
पीस हारमोनी ट्रैंक्विलिटी, ये फैलेगा इंडिविजुअल लेवल पे भी पीस, सोसाइटी के लेवल पे भी पीस. क्यों? बिकॉज ऑफ द लिंकिंग बिटवीन योर मॉरल कन्विक्शन एंड योर एटीट्यूड. मैं क्या ये हर समय यही पिक्चर होगा? क्या ये हर समय यही होगा? तो नो, ऐसा नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही होगा. देखो, कभी कभी मॉरल कन्विक्शन अटैच हो गया एटीट्यूड से, तो ये नेगेटिव आउटकम्स भी देता है. कहो कैसे? जैसे मान लो कि मिडल ईस्ट मतलब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे ये मिडल ईस्ट है. यहाँ पे वहाबिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें सोसाइटी पूरा ट्रैप में आ गया कि इस्लाम को फिर से हमको वो करना है, एक नया रूप देना है. सब दौड़ पड़ा, उससे वायलेंस क्रिएट हो गया. उसका मॉरल कन्विक्शन है कि इस्लाम को आगे करेंगे, वो गलत रास्ते में चल पड़ा. तो इस्लाम का जो ओरिजिनल वैल्यूज है उसके विपरीत चल पड़ा. तो जरूरी नहीं कि हर समय हमारा मॉरल कन्विक्शन हो एटीट्यूड में तो हमारा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है. डिपेंड करता है कि आपका मॉरल कन्विक्शन क्या है. अब कई चीज को तुम फॉरगिवनेस को, कई लोग बोलता है फॉरगिवनेस तो स्ट्रांग आदमी का पहचान ही नहीं है. बंदूक से मारना स्ट्रांग आदमी का पहचान है, क्योंकि हमको आज़ादी पीस से नहीं मिला, हमको शहादत से मिला. बोलने वाला लोग बोलेगा क्योंकि डिबेट है ये. तो उस समय तुम्हारा क्या होगा? नेगेटिव आउटकम्स. हाँ, यदि लड़ना है तो मारना ही पड़ेगा. नेगेटिव आउटकम्स के हुआ कि नहीं हुआ? और नेगेटिव आउटकम्स हुआ, वायलेंस तुम्हारा बजवर्ड हो जाएगा, नॉर्म्स ऑफ द डे हो जाएगा वो. तो ये जो मॉरल कन्विक्शन है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को मॉरल कन्विक्शन मान के बैठ गया है. और इसे मान लो, यानी कि लेट से सेपरेटिज्म, सेपरेटिस्ट एक स्टेट बनाना, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा अपना एक स्टेट हो जिसका फ्रीडम हो पूरी तरीके से, हम अपना एक राज्य होगा. नागालैंड, चलो इश्यू चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड, नागालैंड बनाएंगे एक अपना स्टेट, जिसमें कुछ ले लेंगे म्यांमार का भी और कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी ले लेंगे और एक बना लेंगे नागालैंड करके. चलो सेपरेटिस्ट स्टेट का तुम्हारा मॉरल कन्विक्शन है, अपने लोग रहेंगे, एटीट्यूड में आएगा यस हम लेके रहेंगे. But what about your integrity of this country? It is against sovereignty of country, of any country in fact. तो यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, ये हमें नेगेटिव आउटकम्स दे देगा. क्या दे देगा? वायलेंस, और वायलेंस बढ़ते चला जाएगा. तो टू मच, जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखो ना तुम लोग, जो हाइपर नेशनलिज्म, जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का बात करते हैं, जर्मनी मतलब जर्मनी, फ्रांस मतलब फ्रांस, यूके मतलब यूके, बाहर का कोई आदमी नहीं है एज इट इज. यूके फर्स्ट होना चाहता है, जर्मनी फर्स्ट होना चाहता है. अब ये फर्स्ट होने के चक्कर में दूसरे वाले को दबाएगा. मॉरल कन्विक्शन यही कि हमको फर्स्ट होना है. एटीट्यूड में दिखेगा कि जहां देखे जर्मन टैंक उड़ा दिए, फ्रांस ने उड़ा दिया, जहां हिटलर का चेला देखा मार दिया उसको. रिजल्ट क्या हुआ? त्राईमाम त्राईमाम, हर तरफ त्राईमाम, हर तरफ दिक्कत ही है. और एक पूरी तरीके से जब जेनोसाइड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार में, इसीलिए ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस बने हैं, उसका बॉडी बना है, कि ताकि इस तरह का बड़ा वर्ल्ड वार कभी ना हो. हिरोशिमा और नागासाकी में जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीमेसी दिखाने के चक्कर में जो दो बम छोड़ दिया गया, कितना मानव कल्याण के लिए कितना अपोजिट काम हुआ है. तो वो भी तो उस समय मॉरल कन्विक्शन हुआ कि जापान को थोड़ा ठंडा कर दे. मैं ये करने के चक्कर में एटीट्यूड क्या डेवलप हुआ? फोड़ दिया उस दो बम, नेगेटिव आउटकम्स, अभी तक लोग सफर हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि मॉरल कन्विक्शन हर समय एटीट्यूड के अंदर आए तो पॉजिटिव आउटकम्स ही देगा, नेगेटिव भी देगा. और नेगेटिव डिपेंड करता है कि किस तरह किस चीज़ को हम मॉरल कन्विक्शन को हम अपना मान के बैठे हैं. समझ गए ना? यही चीज़ था जी, आज क्लास में यही सब बताना था मुझे. बस डैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास.